हाँ भाई तो आज चार साल का बच्चा है, तुम दोनों की उम्र मिलाओगे ना, हमने अडॉप्ट कर लिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फूड ब्लॉग बनाने आ गए हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हैदराबाद शहर में और हम आए हैं यहाँ की मशहूर जो बिरयानी है ना। अक्सर लोग बोलते थे यार कभी आप हैदराबाद भी आए, चक्कर लगा लो भाई, हम आ गए हैदराबाद और यहाँ के हम जो फूड ब्लॉग बनाने वाले हैं वो है हामिद बिरयानी का। सो ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई इतना सफ़र करके हम लोग आ चुके हैं हामिद की बिरयानी पे और अभी यहाँ पे जो प्राइस है ना बाबा, प्राइस पता है क्या है? तकरीबन 480 रुपये किलो, 480 रुपये किलो। तो हमने बोला कि भाई बोटी डबल करके प्लीज़ हमें दें, भले पैसे ऊपर ले लेना। ऐसी है डबल बोटी चाहिए। अच्छा ये भी आ गया, इनको जगह नहीं मिल रही है भाई। अच्छा मिल गई। तो भाई अभी ट्राई करते हैं यहाँ पर लाइव खाने का मज़ा। फिलहाल भूख इतनी लगी है कि सब रायते में शुरू होगा, रायता सलाद नाश्ता। नहीं इन दोनों ने किया हुआ है, उन्होंने तो किया हुआ ही होगा कंफर्म, और इन्होंने तुमने भी किया हुआ ही होगा। मैंने सुबह किया। हाँ हमने नहीं किया हुआ ना, मैंने भी नहीं किया हुआ भाई। खा लेना, चलो गुड हो गया भैया। ये बिरयानी आ चुकी है, बोटी डबल है। अच्छा ये प्याज के साथ रोटी खाएंगे? ये क्रिस्पी प्याज है जो, ये प्याज है, इसका मज़ा ही अलग है बिरयानी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डिफरेंट है वहाँ पे मंगा के खाने में और यहाँ पे खाने में बहुत सही। शफीक भाई ऐसी है प्याज तो खाई है ना आपने? हाँ भाई कैसी है? चलो भाई ये जो ना ये नहीं आप खाओ, मेरी आ गई भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई बाबा पेट भरा। ये एक और मंगाई आपने? एक और आ रही। हाँ सब सेट है तभी खत्म हो गई। लो भाई एक और आ गई डबल बोटी, डबल बोटी। माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। हमारी टेबल भर चुकी है बिरयानी से और ये सब इस वक्त मसरूफ़ है। बाबा आपने ट्राई की? और ये मिलावट कर दी आपने पहले ही। अब ट्राई तो करें, बिरयानी तो ट्राई करें। हाँ भाई शाहजहान जबरदस्त माशाल्लाह अच्छी अच्छी है। तो बड़ा सफ़र करके आए हम ये बिरयानी खाने। ऐसी है ये बोटी, ये बोटी गई भाई, ये बीफ की बोटी ये गई, ये मज़ा है भाई। जूसी वो भाई प्याज और आ गई है बाबा। ये माशाल्लाह जूसी सामने भी चला। अच्छा वो भाई ये अभी हम थोड़ा सा ये प्याज डालें इसमें और एक और चम्मच उठा लेते हैं। ये देखो ना गोश्त। अच्छा अरे हाथ नहीं, ये देखो ये आया वैसे। ऑनेस्टली बैठ के खाने का जो मज़ा है ना यहाँ पे, हमने बहुत दफ़ा मंगाई है बस इसमें इन्हेंस हो गया टेस्ट। हाँ जबरदस्त मजेदार था। 18 साल हो गए हैं। 18 साल 11 से 10:30 के जम्मा छुट्टी होती है। हमारे पास बीफ बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी होती है। अच्छा हाँ तो भाई जैसे आप लोग हमेशा हमें मिस करते हैं, ऐसा नहीं है यार, मिस तो करते हैं ना यार सारे लड़के, तो जैसे आप लोग मिस करते हैं भाई हम पहुँच चुके हैं। और कहाँ पर पहुँचे? आज हम लोग आए हैं कराची से हैदराबाद, हामिद बिरयानी में। हामिद और हमारे साथ एक 4 साल का बच्चा भी हम लेकर आए, ये हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो आज 4 साल का बच्चा नहीं, तुम दोनों की उम्र मिला हुआ ना, अब आपको असल उम्र कर लिया हमने उम्र छुपाई। भाई 40-50 साल का बुढ़ा भी हमारे साथ है एक, और हमारे हामिद से। और खाना हमने खा लिया ये जाते देखिए, मगर कैसे दिख रहे हैं बिरयानी पॉकेट की भाई हमेशा खाई है यहाँ पे, हमने कराची मंगवाई खाई है हमेशा। आज फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे बैठ के खाई है, डिफरेंट टेस्ट का, मतलब टेस्ट के अंदर जो है ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गई है, बेहतरीन होती है यहाँ पे आगे और अच्छी लगी। शफीक भाई को दूसरी प्लेट खानी थी मगर अभी क्या करें, हमें कहीं और भी जाना है। चलो भाई ये हमारे साथ पहाड़ी भी मौजूद है। बाबा खा चुके हैं, आराम है भाई। शफीक भाई ये बेहोश होने वाले थे तो हमने बोला जल्दी से खिला दो, हालांकि नाश्ता करके आई है। हाँ भाई अच्छा हमारे साथ इस वक्त शारिक मौजूद है। शारिक ने बहुत बोला था कि भाई हामिद का ज़रूर आके पुलाव कवर करना, तो वजह क्या थी बोलने की? हामिद की बिरयानी जो है वो थोड़ी हमारी हैदराबाद की फेमस बिरयानी है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो भी हमारे दूसरे बिरयानी टेस्ट हैं। मुझे तो हामिद से अच्छी बिरयानी हैदराबाद में किसी की, अच्छा इसलिए मैंने आपको जो है वो एक सजेशन दी थी। और ये जो अकरम भी है एक बिरयानी जो है वो सेकंड पे, और इसमें और अकरम में अगर डिफरेंस क्या है मतलब बिरयानी का? थोड़ा सा स्पाइसी है, ये थोड़ा कम है। और बोटी छोटी में कोई फर्क? बोटी में तो फर्क है थोड़ा, बोटी में फर्क अच्छा बोटी में फर्क है। तो भाई ये था हमारा हामिद बिरयानी का ब्लॉग, काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशन थी, और हमने सोचा कि भाई चलो हैदराबाद इतना दूर है कराची से, 1-1.5 घंटे की मुसाफत है, तो आते हैं। लेबर डे भी था तो हमने ब्लॉग बनाया और अच्छी लगी बिरयानी, मतलब मज़ा आया। इवन बाबा तो फुल हो गए, तो हमने सोचा यार अब हैदराबाद आ ही गए हैं, सिर्फ हामिद नहीं एक और भी यहाँ की मशहूर बिरयानी है वो भी ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको उस बिरयानी के बारे में बताएंगे। चलें जी हमें यहाँ से इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।